हेलो एवरीवन, आई एम ऋचा शर्मा और आप सब कैसे हो। आज इस वीडियो में हम करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब एंड फर्स्ट एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब किसको बोलते हैं? मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, एंड ऑक्सिलरी वर्ब इज़ ए हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को आप हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हो, ठीक है। इट हेल्प्स ए प्रिंसिपल और मेन वर्ब टू फॉर्म ए टेंस मूड वॉइस सम क्वेश्चन और ए नेगेटिव सेंटेंस। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मेन वर्ब की हेल्प करती है। क्या, किस में हेल्प करती है? टेंस को हमें पहचान करने में कि टेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। टेंस को, मूड को, वॉइस को, सम क्वेश्चन को, नेगेटिव सेंटेंस को, इन सब में पहचानने के लिए कि टेंस जो है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। ठीक, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आई प्ले क्रिकेट, तो आप इसमें देखोगे इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब मैंने वर्ब के पार्ट वन में समझाया हुआ है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख लेना। और मैं फिर बता देती हूँ, ऑक्सिलरी वर्ब को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में टू बी, टू हैव, टू डू, ठीक है। टू बी में आते हैं इज, एम, आर, वाज, वर। टू हैव में आते हैं हैज़, हैड। टू डू में आते हैं डस, डिड। तो ये तो होती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं विल, शैल, कैन, मे, माइट, कुड, शुड, वुड, मस्ट, इटीसी, ठीक है। ये होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो आप देखोगे इसमें कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। एक्शन वर्ब दे रखी है प्ले, ठीक है। एक्शन वर्ब को ही आप प्रिंसिपल वर्ब बोल सकते हो, मेन वर्ब बोल सकते हो, फाइनाइट वर्ब बोल सकते हो। तो ये इस एक के ही नाम है, आप कुछ भी बोल सकते हो इनमें से। तो इसमें कोई भी आपकी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, इसलिए इसको आप क्या बोलोगे? प्रिंसिपल या मेन वर्ब, ठीक है। जैसे सेकंड एग्जांपल है आई शैल हेल्प यू, तो आपको पता है शैल क्या होता है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है। तो ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प क्या है इसमें? मेन वर्ब। तो ये इसमें हमें पता चला कि टेंस किस में? फ्यूचर में, क्योंकि शैल और विल किस में यूज़ होते हैं? फ्यूचर में। तो शैल ने किसकी हेल्प करी? मेन वर्ब की। किस लिए हेल्प करी? ये पहचानने में कि टेंस कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ शैल हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया और हेल्प मेन वर्ब हो गया। थर्ड, शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, तो आप देखोगे हैज़ आपको पता ही है ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ऑक्सिलरी। फिनिश्ड जो है आपका मेन वर्ब है, जिसको आप प्रिंसिपल वर्ब भी बोल सकते हो, ठीक है। नोट करके मैंने लिखवाया है, ओनली प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कैन बी यूज एज फाइनाइट और मेन वर्ब। केवल प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डिड, डज और हैज़, हैव, हैड, ये सारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। ये जो है केवल प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ही मेन वर्ब की तरह यूज हो सकती है, ठीक है। मैंने यहाँ लिख भी दिए हैं कौन कौन सी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल देखोगे, डू यू स्मोक, अब आप देखोगे डू क्या है इसमें? ऑक्सिलरी वर्ब। और स्मोक इसमें क्या है? मेन वर्ब, ठीक है। स्मोक क्या है? हम एक्शन ही तो कर रहे हैं कुछ, तो एक्शन वर्ब को मेन वर्ब भी बोल सकते हैं। तो यहाँ स्मोक है आपका मेन वर्ब और डू है ऑक्सिलरी वर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल देखोगे, आई डू माई वर्क, अब आप देखोगे इसमें कोई भी मेन वर्ब या एक्शन वर्ब नहीं है। डू क्या है? आपकी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, लेकिन जब कोई मेन वर्ब ना दिया हो पीछे ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, तो ऑक्सिलरी वर्ब को ही मेन वर्ब मान लिया जाता है। यहाँ पे डू वैसे ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन जब हमारा कोई भी मेन वर्ब नहीं दिया आगे, तो उस ऑक्सिलरी वर्ब को ही हमने मेन वर्ब मान लिया, ठीक है। तो यही कहा गया था कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को मेन वर्ब भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब है थर्ड एग्जांपल, ही हैज़ स्टोलन माई पेन, तो आप देखोगे हैज़ क्या है इसमें? ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। और स्टोलन क्या है इसमें? मेन वर्ब। तो नेक्स्ट,
ही हैज़ ए न्यू कार। अब आप देखो कि हैज़ क्या है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन उसके बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं दी हुई, तो यहाँ पे क्या है, फिर हैज़ को ही आप मेन वर्ब मान लोगे, ना कि ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, जब मेन वर्ब ना दिया हुआ हो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, तो ऑक्सिलरी वर्ब को ही मेन वर्ब मान लिया जाता है। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट का। फर्स्ट हेडिंग है ये, पिक आउट द ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको इन सेंटेंसेस में पहचानना है कि ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, और जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर होता है, तो फिर उसका नेम द ऑब्जेक्ट ऑफ ईच ट्रांजिटिव वर्ब, तो उसका फिर नेम लिखना है ट्रांजिटिव वर्ब का। जैसे फर्स्ट है, आई किल्ड ए स्नेक, मैंने एक स्नेक मारा, तो आपको पता ही है क्वेश्चन आप किससे पूछते हैं, व्हाट से और हुम से। व्हाट मीन्स होता है क्या, और हुम होता है किसे, क्या किसे। इससे क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो समझो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और इनसे क्वेश्चन पूछ के आंसर ना मिले तो समझो इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो व्हाट और हुम से आंसर जो मिले तो आपका ट्रांजिटिव वर्ब, और आंसर ना मिले तो इंट्रांजिटिव वर्ब। आई किल्ड ए स्नेक, मैंने एक स्नेक मारा, मैंने एक सांप मारा, तो आप पूछोगे क्या मारा, तो पता ही है स्नेक मारा, तो कैसी वर्ब है ये, ट्रांजिटिव वर्ब। और उसने ये भी कहा है कि उस ऑब्जेक्ट का नाम बताओ जिससे आपको ये पता चला कि हाँ ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ए स्नेक, ओनली स्नेक। ठीक है, सेकंड लिखते हैं, द शिप सेंक, सेंक में सोता है डूबना, तो जहाज डूब गया, तो क्या डूब गया, आंसर तो आ रहा है जहाज, लेकिन आंसर जो आना चाहिए वो ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ना कि सब्जेक्ट। अब क्या डूब गया, शिप डूब गया, तो शिप क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, और ये क्या है आपकी वर्ब, लेकिन यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, व्हाट का जो आंसर आ रहा है वो सब्जेक्ट आ रहा है, ना कि ऑब्जेक्ट, और आंसर आना चाहिए ऑब्जेक्ट में, तो इसलिए ये कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव। ऑब्जेक्ट हमें ओनली ट्रांजिटिव वर्ब में ही लिखना है, क्योंकि हमें उसी से पता चला है ऑब्जेक्ट से कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। थर्ड, शी जम्प्ड इंटू द बेल, वह कुएं में कूद पड़ी, तो क्या कूद पड़ी, किसे कूद पड़ी, वॉट जम्प्ड, हु होम जम्प्ड, तो नो, कोई भी आंसर नहीं आएगा, क्या कूद पड़ी, किसी को नहीं, आंसर कोई भी आपको नहीं मिलेगा, तो ये कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। ये जो वर्ब है ये ओनली, ये कील्ड है इंट्रांजिट सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब, शेंक है इंट्रांजिटिव वर्ब, जम्प्ड है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, फोर देखते हैं, सी स्पोक स्लोली, इसका मीनिंग है सी स्पोक स्लोली, वह धीरे बोली। ठीक है, तो क्या बोली, किसे बोली, नो, आंसर कोई नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, व्हाट स्पोक, हुम स्पोक, नो, तो जब आंसर ना मिले तो समझो इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, फाइव वाला देखते हैं, द सन रोज इन द ईस्ट। द सन रोज इन द ईस्ट, सूर्य सूरज पूरब में निकला, तो व्हाट रोज, आंसर तो आ रहा है द सन,
लेकिन दसन क्या है, सब्जेक्ट, और आंसर किस में लाना है हमें, ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या निकला, किसे निकला, आप नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। रोज। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। आई ब्रोक द प्लेट्स, तो मैंने प्लेट्स तोड़ी, तो क्या तोड़े, प्लेट्स, आंसर आ गया हमारा। तो ये कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है जिससे आपको ये पता चला कि ये ट्रांजिटिव है, तो ऑब्जेक्ट है इसमें प्लेट्स, ठीक है। सेवन, द प्ले लास्टेड एन आवर। द प्ले मतलब नाटक, लास्टेड मतलब चला, नाटक 1 घंटे तक चला, तो क्या चला, नाटक चला, लेकिन नाटक तो यहाँ पे सब्जेक्ट है और हमें आंसर लाना है ऑब्जेक्ट में, तो क्या का तो कट हो गया, किसे चला, नो आंसर। तो जब आपको आंसर ना मिले तो वो वर्ब होती है आपकी इंट्रांजिटिव। एट्थ, दिस पेन कॉस्ट 5 रुपीज। दिस पेन कॉस्ट 5 रुपीज़, तो इस पेन की कीमत 5 रुपये है, ठीक है। इसकी मीनिंग है इस पेन की कीमत 5 रुपये है, क्या कीमत, किसे कीमत, आप आंसर नहीं निकाल सकते, ठीक है। व्हाट कॉस्ट, ये जो 5 रुपये है ये दिस पेन का कॉम्प्लीमेंट है, ना कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या कीमत, किसे कीमत, नो आंसर। तो ये कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल की वीडियो में हम करेंगे द कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स एंड एक्सरसाइज 2। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लेना, और थैंक यू।